हेलो एवरीवन वेलकम टू वैदि फाइल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक नॉमन क्लेचर ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड बेंजीन कंपाउंड का नॉमन क्लेचर हम कैसे करेंगे अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं सो फॉर आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड द सब्स्टिट्यूंट इज प्लेस्ड एज प्रिफिक्स टू द वर्ड बेंजीन बेंजीन फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि एक बेनजीन रिंग है और उस बेनजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप बाहर निकला हुआ है तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे अब हमने क्या बोला अभी को बेनजीन के आगे प्रेफिक्स के रूप में लिख दिया जाता है सो so, इसका नाम हम लिख सकते हैं मिथाइल बेनजीन बात समझ में आपको यहां तक और मिथाइल बेंजीन को ही टोलुइन भी बोला जाता है टोलुइन एक कॉमन नेम है और मिथाइल बेंजीन एक आईयूपीएसी नेम है बात समझ में आपको यहां तक इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर ओ एम ई निकला हुआ है अब क्या आप बता सकते हैं ओ एम ई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ओ एम ई एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है जैसे हम ओ आर पढ़ते थे इसी तरह यहां ओ एम ई लिखा हुआ है एम ई डिप, रिप्रेजेंट करता है एक मिथाइल ग्रुप को बात क्लियर है यहां तक तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन मिथॉक्सी क्यों लिया क्योंकि ईथर के लिए हमेशा और हमेशा प्रिफिक्स यूज में लिया जाता है बात क्लियर है यहां तक तो इस कंपाउंड का नाम हुआ मिथॉक्सी बेंजीन और इसका कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है एनिजोल क्या होता है एनिजोल होता है इसका कॉमन नेम अब मैं बात करता हूं की अब आप इस में देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर एक प्रेजेंट है अगर आपको याद होगा तो हमने जब क्लासिफिकेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे तब भी इस मॉलिक्यूल को देखा था और इसका एक नाम भी लिया था क्या नाम था उसको अभी हम बात करेंगे अभी हम देखते हैं इसका आई यू पी एस सी नेम क्या होगा बेंजीन के ऊपर एन एच टू निकला हुआ है तो इसका नाम हम बोल सकते हैं एनएच टू को हम बोलते हैं अमीनो क्योंकि हमें यहां पर यूज़ में लेना है तो एनएच टू का होता है अमीनो तो अमीनो के आगे बेंजीन लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो बेंजीन और इसका कॉमन नेम क्या था इसका कॉमन नेम था एनिलीन जो हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था बात क्लियर है यहां तक इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर ग्रुप निकला हुआ है तो एनो को क्या बोलते हैं का का क्या होता होता है NO2 का होता है नाइट्रो तो इस कंपाउंड नाम हम क्या बोल देंगे इस कंपाउंड का नाम हम बोल देंगे नाइट्रो बेनजीन क्या आप समझ पा रहे हैं इसी तरह अब मैं एक और मोलिक्यूल लेता हूं एक और एग्जांपल लेता हूं और उसका नोमन क्लिसर करते हैं कि उसका नाम क्या होगा इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन निकला हुआ है और आप सभी को पता होगा जब हमने टेबल में सभी फंक्शनल ग्रुप की डिटेल स्टडी करी थी तो वहां हमने बोला था कि अगर ब्रोमीन कहीं के रूप में लगा हुआ होगा तो हम उसको ब्रोमो बोलेंगे तो यहां इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कि बेंजीन के ऊपर अगर सिंगल सब्सटीट्यूंट लगे हुए हैं तो हम उसका नॉमन किस तरह करेंगे अब मैं बात करता हूं इफ बेंजीन रिंग इज डाई सब्स्टिट्यूटेड द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डिफाइंड बाय नंबरिंग द कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग अगर बेंजीन रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो वहां हम इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे नोमेनक्लेचर करेंगे अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं अगर हमारी बेंजीन रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो वहां हम नंबरिंग करके उन प्रिफिक्स को उन सब्सिट्यूएंट को लिख देंगे और नंबरिंग किस तरह करेंगे एंड द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर और वहां नंबरिंग कुछ इस तरह की जाएगी जहां पर वो सब्सिट्यूंट हमारे कम से कम नंबर पर आए जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर दो ब्रोमीन निकले हुए हैं और ब्रोमीन कहां कहां पर है अगर मैं इसमें नंबरिंग करने जाऊं तो मेरी नंबरिंग आ रही है बेंजीन. वन टू क्यों बोला? क्योंकि वन और सेकेंड पोजिशन पर ब्रोमीन निकला हुआ है इसलिए मैंने बोला वन टू ब्रोमो बेंजीन इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन। के ऊपर वही दो बियर लगे हुए हैं बट क्या उनकी पोजिशन अब पहले की तरह सेम है नहीं अब उन दोनों की पोजिशन वन और थर्ड पोजिशन पर है क्या मैं इसे नंबरिंग दूसरी तरफ से भी दे सकता हूं कि मेरा वन और फाइव नंबर पर ब्रोमीन आ जाए यस मैं नंबर दे सकता हूं पर क्या वो सही तरीका होगा नहीं हमें हमेशा और हमेशा कम से कम नंबर देने हैं उन सब्सिटेंट को तो मैं इस कंपाउंड का नाम बोलूंगा वन थ्री डाइब्रोमो बन बात समझ में आपको यहां तक इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल नेग्जाम्पल बढ़ता हूं इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर वही दो प्रेजेंट है बट अब की बार वो पर प्रेजेंट है अब उसको नंबरिंग आप चाहे लेफ्ट साइड से दीजिए चाहे उसको नंबरिंग आप राइट right साइड से दीजिए उन दोनों का नंबर सेम आएगा दैट मीनस वन और फोर ही आएगा तो इस कंपाउंड का नाम हम बोलेंगे वन फोर डाइब्रोमो बनजीन बात क्लियर है यहां तक इसी तरह अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं इन द ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर द टर्म ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड एज प्रीफिक्स टू इंडिकेट द रिलेटिव पोजिशन वन टू वन थ्री एंड वन फोर रेस्पेक्टिवली क्या मतलब हो इसका अगर हमारे पास कहीं ऑर्थो वर्ड लिखा हुआ है दैट मीन्स वो ऑर्थो वन टू पोजिशन को डिनोट करता है अगर हमारे पास कहीं मेटा लिखा हुआ है तो मेटा का मतलब होता है वन थ्री पोजिशन और अगर हमारे पास कहीं वन फोर लिखा हुआ है तो वो डिनोट करता है पैरा पोजिशन को बात समझ में आपको यहां तक फॉर एग्जाम्पल वन टू बेंजीन हमने अभी वन टू ब्रोमो बेंजीन एक कंपाउंड का नाम लिया था अगर मैं उसे ऑर्थो तो पैरा मेटा में से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा उसे मैं बोलूंगा बेंजीन बात क्लियर है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा उसे नाम दिया जाएगा इसी हमने एक भी पढ़ा था, उसे क्या नाम दिया जाएगा उसे नाम दिया जाएगा पैरा है यहां तक पैरा को हम पी से दिखा सकते हैं और मेटा को हम एम से दिखा सकते हैं और को हम ओ से दिखा सकते हैं बात क्लियर है यहां तक अब मैं बात करता हूं अगर हमें ट्राई सब्सिट्यूटेड या फिर और ज्यादा सब्सिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव दे दिए जाए तो हम क्या करेंगे इस केस में हम प्रिफिक्स का यूज नहीं करेंगे फॉर ट्राई और हाईर सब्सिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव दीज प्रसिस कैन नॉट बी यूज एंड द कंपाउंड आर नेम्ड बाय आइडेंटिफाइंग द सब्सिट्यूंट पोजिशन ऑन द रिंग बाय द फॉलोइंग लोवेस्ट लॉ रूल अगर हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा सब्सिट्यूएंट किसी बेंजीन पे लगा के दे दिए जाते हैं तो हम उनको में ये और मेटा पैरा जैसे प्रिफिक्स यूज नहीं करेंगे वहां हम नंबरिंग कुछ इस तरह करेंगे कि मेरे सब्सिट्यूएंट कम से कम पोजीशन पर आए और उन सब्सिट्यूएंट को कुछ इस तरह अरेंज किया जाएगा कि उनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा हो दैट मीन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे पहले लिखा जाएगा और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है उसे बाद में लिखा जाएगा बात क्लियर है यहां तक अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं क्या हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पा रहे हैं जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर तीन सब्सिट्यूंट निकले हुए हैं एक है हमारा क्लोरीन और दो निकले हुए हैं हमारे एनओ ग्रुप्स मतलब नाइट्रो ग्रुप अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं सबसे पहले मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं नंबरिंग में मैंने एनओ टू जहां लगा हुआ है उसको वन नंबर दिया फिर टू और सेकेंड एनओ टू को थर्ड नंबर और सी एल को दे दिया फोर्थ नंबर तो इसका नाम हो गया फोर क्लोरो वन थ्री नाइट्रो बेंजीन अब क्या यह नेमिंग सही नेमिंग है नहीं यह नेमिंग सही नेमिंग नहीं है क्योंकि यहां पर लोवेस्ट लोक रूल फॉलो नहीं हुआ That means, ko देते हैं और उसके नीचे लगे नाइट्रो को सेकेंड नंबर देकर नंबरिंग को कंटिन्यू रखा जाता है तो मेरा जो सेकेंड नाइट्रो ग्रुप होगा वो फोर्थ पोजिशन पर आएगा वन क्लोरो टू फोर डाइ नाइट्रो बेनजीन और ये हमारा फॉलो कर रहा है दैट ये मेरी नंबरिंग नंबरिंग एकदम सही है और ये जो हमने नाम लिखा है ये भी एकदम सही लिखा हुआ है बात क्लियर है यहां तक अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि एक NO2 ग्रुप निकला हुआ है एक Cl ग्रुप निकला हुआ है और एक CH3 ग्रुप निकला हुआ है अब मैं सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग करने जा रहा हूं मैंने वन नंबर दिया एनओ जहां लगा है वहां पर और नंबरिंग को कंटिन्यू करते हुए आया और मिथाइल के ऊपर नंबर आया चार और पांचवा नंबर मैंने दिया क्लोरीन को अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं इसका नाम हुआ फोर मिथाइल फाइव क्लोरो नाइट्रो नाइट्रोबेंजीन क्या ये मैंने नाम सही लिखा है क्या मेरी नंबरिंग सही थी नहीं आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहां पर सब्सिट्यूएंट की पोजिशन फोर फाइव वन इस तरह आ रही है That means, बहुत ज़्यादा आ रही है। है। नहीं हो रहा है। तो lowest follow करने के लिए हमें इसे numbering कुछ इस तरह देनी पड़ेगी। अगर मैं मेरी numbering, methyl से चालू करता हूं तो सी एस थ्री को वन नंबर दूंगा और क्लोरीन को सेकेंड नंबर देकर मेरा नाइट्रो ग्रुप को फोर नंबर दे दूंगा अब मेरी नंबरिंग आई वन टू और फोर दैट मीन अगर मैं यहां पहले वाले नंबरिंग से कंपेयर करूं तो कम नंबरिंग आई है दैट मेरी वाली नंबरिंग सही है और इस नंबरिंग के हिसाब से उस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा टू क्लोरोन और ये हमारा एकदम सही नाम है इसी तरह एक और मॉलिक्यूल सॉल्व करते हैं इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं एक ओ एम ए निकला हुआ है एक क्लोरीन निकला हुआ है एक सी एस थ्री निकला हुआ है अब हम इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं अगर मैं ओ एम ई को वन नंबर देता हूं क्लोरीन को सेकंड नंबर देता हूं और मिथाइल तक कंटिन्यू करके उसको फोर्थ नंबर पे ले आता हूं तो वो मेरी नंबरिंग एकदम सही नंबरिंग होगी और उसका मैं नाम लिखूंगा तो उसका नाम होगा टू क्लोरो फोर मिथाइल एनिजोल एनिजोल मैंने क्यों बोला क्योंकि हम जब इसको पढ़ रहे थे तो बेस कंपाउंड के तौर पर मैंने बेंजीन और ओ एम ई को एक साथ ले लिया है अगर मैं चाहता तो इसका नाम मिथॉक्सी लगाकर भी कर सकता था बात समझ में आपको यहां तक मिथॉक्सी बेंजीन लगाकर भी कर सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया मैंने बेस कंपोनेंट ले लिया एनिजोल बात क्लियर है और क्लोरीन और मिथाइल में से मैंने क्लोरीन को क्लोरो को पहले रखा क्योंकि सी एम से पहले आता है बात क्लियर है यहां तक इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं यहां सबसे पहले हम एक बेस कंपोनेंट निकाल लेते हैं जैसे कि आपको पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर एनएच टू लगा हुआ होता है तो हम उसे एनिलीन बोलते हैं तो मैं एनिलीन को सबसे लास्ट में रख दूंगा एज ए बेस कंपोनेंट और एनिलीन नहीं लेते हैं तो अमीनोन भी लिखा जा सकता कर देता हूं। जो बेस जिसको मैंने किया है उस वाले कार्बन को मैंने वन नंबर दिया जहां मिथाइल लगा हुआ है उसको सेकेंड नंबर दिया और नंबर को कंटिन्यू करते हुए इथाइल फोर्थ पोजिशन पर आ गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम होगा फोर इथाइल टू मिथाइल एनीलीन बात समझ में है आपको यहां तक इथाइल को मैंने सबसे पहले क्यों लिखा क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल में पहले आता है और मिथाइल अल्फाबेटिकल में बाद में आता है बात क्लियर है यहां तक इसी तरह हम अभी लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक ओएच OH निकला हुआ है एक सीएच3 निकला हुआ है और एक और सीएच3 निकला हुआ है इनकी पोजीशन डिसाइड करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी बेंजीन के ऊपर OH निकला हुआ है तो उसे कहा जाता है जैसे किसी बेंजीन के ऊपर निकला हुआ होता था, तो हम उसे कहते थे एनिलीन। पर अगर किसी बेंजीन के ऊपर ओ OH एच निकला हुआ है तो उसे कहते हैं फिनॉल और तो यहां पर मेरा बेस कंपोनेंट तो हो जाएगा फिनॉल और वहीं से मैं नंबरिंग चालू करूंगा जहां से ओ OH लगा हुआ है तो जहां ओए लगा हुआ है उसको मैं बोलता हूं वन नंबर और मेरे नंबरिंग को कंटिन्यू करते हुए थ्री और फोर पोजिशन पे दो मिथाइल आ रहे हैं तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा इस कंपाउंड का नाम होगा थ्री फोर डाई मिथाइल फिनॉल बात क्लियर है आपको यहां तक वेन बेंजीन रिंग इज अटैच टू एन एल विद ए फंक्शनल ग्रुप इट कंसिडर्ड एज ए सब्सिट्यूएंट इन स्टेड ऑफ पेरेंट चेन द नेम फॉर बेंजीन एज सब्सिटेंट इज फिनाइल दैट मीन फिनाइल को रिप्रेजेंट करते हैं सी सिक्स एच फाइव से और ऑल्सो एब्रीवेटेड एज पी एच इसको पी एच से भी दिखाया जाता है इसका मतलब क्या हुआ अगर कोई हमारे पास कार्बन चेन है और उस चेन में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है मान लो डबलओ एच ही प्रेजेंट है और उससे कहीं बेंजीन निकली हुई है तो बेंजीन को मेन कंपाउंड नहीं लेते हुए चेन नहीं लेते हुए एज ए लिया जाता है। जाता है है और में उसे फिनाइल लिखा या पी एच से भी हम उसे डिनोट करते हैं अब मैं कुछ नाम बोलता हूं उससे हम उनके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे अब तक हम क्या कर रहे थे कुछ मॉलिक्यूल दिए जा रहे थे और उनसे उनका नाम लिख रहे थे अब हमें कुछ नाम पहले लिखेंगे हम और फिर उससे उसका मॉलिक्यूल डेराइव करेंगे जैसे फर्स्ट फर्स्ट में मैं बोलता हूं एनिजोल. कैसे जाएगा? हम इसमें बनाएंगे सबसे पहले एनिसोल दिया हुआ है दैट मींस हमारा बेस कंपाउंड दिया हुआ है बेस कंपाउंड क्या होगा एनिजोल तो एनिजोल क्या होता है बेंजीन के ऊपर ओ एम ई लगा हुआ यह हो गया हमारा एनिजोल और आगे क्या लिखा हुआ है ऑर्थो तो इथाइल स उस एनिजोल में जिस कार्बन से ओ एम ई निकला हुआ है उसी के ऑर्थो पोजिशन दैट मीनसू पोजिशन पे एक इथाइल प्रेजेंट होगा मतलब वन पे अगर ओ एम ई है तो सेकेंड पे इथाइल ग्रुप होगा तो ये हमारी फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो जाएगी इसी तरह अगर मैं सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें क्या है पेरा नाइट्रो एनिलीन तो बेस कंपाउंड क्या हो गया एनिलीन सबसे पहले हम एनिलीन ड्रॉ कर लेंगे एनिलिन ड्रॉ हो गया एनिलिन ड्रॉ करने के बाद उसमें लिखा हुआ है पैरा नाइट्रो देस पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप है पैरा कौन सी होती है? वन तो हम से स्टार्ट करते हुए, पे नाइट्रो लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन इसी तरह अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड मेरा लिखा हुआ है फोर इथाइल वन फ्लोरो टू नाइट्रोबेजीन स हमारे पास बेंजीन के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरीन है सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो है और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है That means, तो हम उसे किस तरह लगाएंगे सबसे पहले बेंजीन के ऊपर एक फ्लोरीन लगा दीजिए उसे हमने दे दिया वन नंबर सेकेंड पोजिशन नाइट्रो ग्रुप था तो फ्लोरिन के पास वाले कार्बन पर ही एक नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए ये हो गया वन टू पोजिशन का हिसाब अब हम बात करते हैं फोर्थ पोजीशन पे इथाइल भी लगा हुआ है तो हम हमारी नंबरिंग को वहीं से कंटिन्यू करते हुए फोर्थ नंबर पर आएंगे और वहां एक इथाइल ग्रुप लगा देंगे बात समझ में आई आपको कि हमने किस तरह नाम से उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रा करी आई होप आप सबको इस 3D एनिमेशंस 3D लर्निंग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा थैंक यू